शायद समझे नहीं, मैं नहीं जाने वाला। जाने अपने डैड को, रुको तो क्या कर रहे? डैड ये कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों अगर आप भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में से एक हॉरर फिल्म को मिस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली अजय देवगन सर की फिल्म शैतान जो कि एक हॉरर फिल्म है उसका फाइनली ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस ट्रेलर में जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के लीड स्टार अजय देवगन सर की। दोस्तों अजय देवगन सर का क्या रोल होने वाला है इस फिल्म में? अजय देवगन सर इस फिल्म में भी दृश्यम जैसे एक फैमिली मैन है, मतलब घर के मुखिया है, जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाले है दुश्मनों से। लेकिन इस बार दुश्मन एक शैतान है, कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। तो दोस्तों इसमें वो बंदा तो दुश्मनी निकालेगा, लेकिन अजय देवगन सर के सामने एक बड़ी मुसीबत यह है कि इस बार उनकी खुद बेटी जो कि उस शैतान के वश में हो जाती है, वो भी एक तरीके से विलन का ही काम कर रही है पूरी फिल्म के अंदर। अजय देवगन सर अब उससे कैसे निपटेंगे क्योंकि वो उनकी अपनी है। तो दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है ट्रेलर में, जहां पर जो हमारे आर माधवन है जो कि शैतान का रोल प्ले कर रहे हैं, वो किसी बहाने से फोन की बैटरी डेड हो जाने के कारण अजय देवगन सर के घर में थोड़ी देर के लिए पनाह लेते हैं। अजय देवगन सर उनको मेहमान के तौर पर परमिशन दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो वहीं पर टिक जाते हैं, वो वहां से जाने का नाम नहीं लेते। अजय देवगन सर को थोड़ा सा लगता है कि यार ये बंदा अब ज्यादा देर रुक चुका है, तो उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जाता नहीं है और उनकी बेटी को वश में कर लेता है। वो आपने देखा होगा, अगर ट्रेलर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर ट्रेलर को देखिए। तो अजय देवगन सर की वाइफ वो और अजय देवगन सर का एक बेटा भी होता है, और जो बेटी होती है वो तो वश में हो जाती है, बाकी सारे जो फैमिली मेंबर वो परेशान हो जाते हैं उस शैतान के वशीकरण की वजह से। दोस्तों उनकी जो बेटी बनी है उसका भी मतलब काफी बड़ा रोल है, मुझे देखकर लगा नहीं था कि उसका इतना बड़ा रोल होगा, लेकिन वो गुजराती फिल्म की एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस है जिसने नदी दोस्त जैसी फिल्म में भी काम किया है, आपने देखी होगी अगर मूवी तो। गुजराती एक्ट्रेस है वो भी, कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि फिल्म भी एक गुजराती फिल्म वश का रीमेक है, तो इसलिए इस वजह से भी उन्हें लिया गया हो। उन्होंने भी एकदम लाजवाब एक्टिंग करी है। वशीकरण होने के बाद उनको जैसा बोलते हैं आर माधवन, जैसे शैतान बोलता है कि भाई तू चाय पत्ती खा ले, तो वो भी खा लेती है, अपने आप को थप्पड़ तक मारती है, डांस करती है उसके इशारे पे, और यहां तक अजय देवगन सर को भी थप्पड़ मार देती है इस फिल्म के अंदर, और चाकू लेकर भी खड़ी हो जाती है उनकी माँ के सामने। मतलब इतना खतरनाक इसमें जो विजुअल और कहानी, मतलब कंटेंट वाली मूवी है ये, आप लोग मिस कर रहे होंगे अगर कंटेंट मूवी, वो भी हॉरर वाली, तो ये मूवी आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस होने वाली है। 8 मार्च 2024 में सिनेमा घरों में रिलीज होगी, आप जाकर इस मूवी को देख सकते हो, कर सकते हो। इसमें आर माधवन की परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच लेवल की है, बहुत ही शानदार एक्टिंग की उन्होंने, एक अलग ही रूप देखने को मिला है उनका, पहली बार शायद मैं उनको विलन के रोल में देख रहा हूं। और जो इसमें एक्ट्रेस है अजय देवगन सर की वाइफ बनी, उनका भी काम जबरदस्त है। लेकिन जो सीन आते हैं जब आर माधवन अपने जो गेटअप में आते हैं शैतान वाले वशीकरण वाले काली ड्रेस में, और वहां पर इतने सारे लोगों को वशीकरण करते, उस सीन में आपको हाथ ही हाथ दिखाई देंगे, वो सबसे बेस्ट सीन लगता है, क्लाइमेक्स का सीन हो सकता है वो मूवी के अंदर। तो ओवरऑल मूवी का जो ट्रेलर वो धमाकेदार बन के निकला है, एडिटिंग भी खतरनाक की है ट्रेलर की, देखना होगा कि मूवी कैसी होगी। और रीमेक एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तो ऑब्वियसली अच्छा होगा, और काम भी अच्छा दिख रहा है इसको, विकास बेल ने डायरेक्ट किया है, बहुत ही अच्छा डायरेक्शन साफ नजर आ रहा है इस मूवी के अंदर। तो दोस्तों मैं काफी एक्साइटेड हूं इस मूवी को देखने के लिए, और मैं सिनेमा घरों में जरूर जाकर इस मूवी को देखूंगा। अगर आप भी चाहो तो जरूर जा सकते हो, मैं डेफिनेटली श्योर कहता हूं कि मूवी बहुत ही बेहतरीन निकलेगी, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो मैं रिकमेंड करता हूं इस मूवी को, ट्रेलर देखने के बाद ही मुझे पता लग गया कि किस तरीके की मूवी बनी है। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप अजय देवगन सर के फैन हो, आर माधवन के फैन हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिले। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं और भी नई अपडेट लेकर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल का नाम है एजेफ मीडिया, मेरा नाम है अभिषेक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।